तो 40 दिन पहले ये फोन मैंने परचेज किया था ऑफलाइन से, क्योंकि ऑनलाइन में तो भाई अवेलेबल नहीं था ये वाला फोन। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इस फोन को लेकर, क्योंकि ये मेरा सेकेंडरी डिवाइस है, क्योंकि प्राइमरी डिवाइस कुछ और है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वीवो T2X 5G। फोन दिखने में अच्छा है, और यहाँ पर बता दूं भाई आपको ना, जब फोन लेते हो तो आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर मिलता है जो अभी तक मैंने हटाया नहीं है, और बॉक्स के अंदर भी आपको चार्जर और डॉक्यूमेंटेशन और साथ में एक सिलिकॉन केस भी मिल जाता है। फोन लाइट वेट है, 187-189 ग्राम के आसपास आपको वेट देखने मिलेगा, कॉम्पैक्ट है। और यहाँ पर अगर बात करूं पीछे पैनल की तो ये प्लास्टिक के साथ आता है, लेकिन अगर मैं कलर की बात करूं तो ये वाला जो कलर है मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया, जिसमें ब्लू कलर आता है वो ज्यादा बढ़िया लगता है। साथ में दो चीज बहुत अच्छी दी गई है, यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, और नीचे की तरफ आपको 3.5 का जैक मिल जाता है, जिसकी वजह से भाई ऑडियो भी आप सुन सकते हो। वैसे तो इसके अंदर आपको फेस लॉक भी मिल जाता है, लेकिन दोनों चीजें काफी अच्छी तरीके से काम करती है, चाहे वो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर हो या फिर इसका फेस अनलॉक हो। डिस्प्ले यहाँ पर आपको नॉच वाली मिल जाती है 6.58 इंचेस की, और ये HD+ डिस्प्ले है, जहां पर आपको 650 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है। और यहाँ पर इंडोर के अंदर तो बहुत सही आउटपुट, लेकिन आउटडोर में जाओगे ना तो आपका काम चल जाता है, इतना मैं बोल सकता हूँ। और कंटेंट वॉचिंग के लिए तो अच्छी रहेगी डिस्प्ले, लेकिन यहाँ पर जब भी आप यूट्यूब चलाते हो तो यहाँ पर आपको 1440p वाली जो वीडियो है वो आप प्ले कर सकते हो, और यहाँ पर HDR वाला जो ऑप्शन है मुझे नहीं मिला। साथ में अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो ना, तो भाई आपको एक चीज नोटिस होगी कि बेजल्स काफी बड़े यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं, साइड साइड में बेजल्स हैं, और स्पेशली अगर बोलूं चीन वाला जो एरिया ना वो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बड़ा कर रखा है, तो हाँ वहां पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। बाकी नीचे की तरफ आपको सिंगल स्पीकर मिल जाता है, और जिसका आउटपुट मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर थोड़ा सा और लाउड होता ना तो मजा आता। यहाँ पर एक सैंपल डाल रहा हूँ, सुनो एक बार। जल्दी से खोल लेते हैं इसे। तो दोस्तों इसमें निकली अपनी महिंद्रा थार, तो चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं जल्दी से। तो सनलाइट में हमने चलाने की कोशिश करी, लेकिन सनलाइट की ब्राइटनेस इतनी है। बाकी अगर परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का 6020 वाला जो प्रोसेसर है वो इसके अंदर आता है, और यहाँ पर आपको UFS 2.2 मिल जाता है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखो 4GB और 6GB के अंदर वेरियंट आता है, 4GB 128, 6GB 128, ये 6GB 128 वाला वेरियंट है। लेकिन मैंने कुछ और वीडियोज में कॉमेंट्स पढ़े थे भाई, वहां पर लोग बोल रहे थे कि 4GB के अंदर कभी कभी मतलब जर्क वगैरह देखने मिलता है, कोई कोई जो एप्स है वो लोड में टाइम लगता है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बाय कर रहे हो ना तो 6GB वाला बाय करना, 1000 रुपए का डिफरेंस है। और यहां पर अगर आप फोन यूज कर रहे हो ना 4GB वाला, तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अपना एक्सपीरियंस। बाकी हमने भी इस फोन को टेस्ट कर रखा है, और यहां पर ना भाई जो एंटीटु स्कोर है वो लगभग 4,00,000+ आता है, किसी किसी का 3,70,000-80,000 के आसपास आता है, और वो डिपेंड करता है कि आपका जो वेरिएंट है ना वो कितना है। और यहां पर एक चीज और मैंने देखी, थ्रॉटलिंग टेस्ट भी हमने करा, तो वहां पर ना परफॉर्मेंस एकदम स्टेबल थी, कोई भी रेड लाइन या फिर येलो लाइन तक मुझे नहीं देखने को मिली इस प्रोसेसर के साथ। बट यूज करने में थोड़ा सा लैग ही लग सकता है, वो बताऊंगा मैं आपको कि क्यों लग सकता है। और यहाँ पर जैसे मैंने बताना भूल गया था, 60Hz का जो रिफ्रेश रेट है ना वो आता है, तो थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि यार इतने बजट में 90 तो एटलीस्ट होना चाहिए था। बाकी आप यहाँ पर मल्टीपल एप्स यूज कर सकते हो, और यहाँ पर ना पहले अपडेट से पहले वो ऑप्शन नहीं था कि आप नीचे से मतलब टैप करके किसी और ऐप में शिफ्ट कर जाओ, अब वो ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, आप किसी भी ऐप में या फिर उसका जो फॉर्मेट है उसको भी चेंज कर पाओगे। साथ में यहाँ पर हमने गेमिंग भी करी है, और यहाँ पर ना अगर आप देखोगे तो भाई हम स्मूथ और अल्ट्रा पे प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर स्मूथ का मतलब ये नहीं कि आप 60 FPS पे खेल पाओगे, यहाँ पर मैं बोलूंगा कि 40 या फिर 45 FPS के आसपास यहाँ पर आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर स्पीकर का आउटपुट और थोड़ा लाउड होता ना तो मजा आता। और हाँ, यहाँ पर आप गेमिंग वगैरह करते हो ना कंटिन्यू, तो हीटिंग का इशू नहीं है, और यही चीज ना मतलब जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा स्टेबल है इसका। बाकी अगर आप जायरो से भी प्ले करते हो तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, और सारे सेंसर आते हैं और अच्छी तरीके से काम भी करता है। बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं ना किसी फोन के अंदर वो भी मिल जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। हाँ, इसके डायलर को आप चेंज करके भाई वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और सामने वाले इंसान को पता नहीं लगेगा। ऐप लॉक का ऑप्शन यहाँ पर आता है, ऐप हाइड का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको ड्यूल एप्स का ऑप्शन भी आता है, वो कुछ लिमिटेड एप्स के लिए है, मतलब व्हाट्सएप फेसबुक इनको आप ड्यूल में कन्वर्ट कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको FM रेडियो का ऑप्शन भी आता है, काफी लोग पूछते हैं कि भाई बजट वाले फोन के अंदर भाई FM रेडियो नहीं आता, इसके अंदर आता है। और साथ में यहाँ पर एक छोटी सी चीज और नोटिस करी, जो इसके आइकन है ना जहाँ पर आपको क्लॉक का आइकन मिलता है भाई, वहां पर ना लिटरली वो पूरे टाइम चलता रहता है, मतलब जैसे एप्पल में होता है ना उसकी जो क्लॉक है वो चलती रहती है आइकन के अंदर, इसमें भी चलता रहता है। अब बात करते हैं कैमरा की, तो पीछे की तरफ आपको दो कैमरा देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक ही कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, और सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा मिलता है। अब यहाँ पर ये दूसरा जो है वो सेंसर है या फिर AI बोल सकते हो आप, और यहाँ पर हमने कुछ वीडियोस फोटोज सब कुछ क्लिक करी है। पहले बात करते हैं वीडियो की, तो यहाँ पर आप फ्रंट कैमरा से 1080p 30 FPS पर शूट कर पाओगे, रियर से आप 60 पर जा सकते हो 1080p के अंदर। और यहाँ पर भाई वीडियो के अंदर स्टेबलाइजेशन आपको ऐसी मिल जाएगी, यहाँ पर मैंने कुछ सैंपल डाले वो चेक करो, फिर फोटोज की बात करते हैं। फ्रंट कैमरा का जो आउटपुट है ना वो कुछ ऐसा है, माइक्रोफोन अभी इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और यहाँ पर ना ये एक्सपोजर को बिल्कुल भी स्टेबल नहीं कर पाता, मतलब जैसी लाइट आती है ना बैकग्राउंड में
भाई एकदम ब्लोन आउट कर देगा। देखो एग्जांपल की दिखाता हूँ, पीछे कुछ भी नहीं है लाइट वगैरह। अब जैसे मैं लाइट में थोड़ा सा जाऊँगा भाई कुछ भी नहीं दिखेगा, इवन जो बाल वाल है ना भाई वो भी गायब कर देता है, ऐसा लगता है कि बाल है नहीं इतने बीच में, जबकि यहाँ पर आके पता लगेगा भाई बाल हैं। तो भाई ऐसा कुछ एक्सपोजर को ये सेट करता है। बाकी रियर कैमरा के अंदर आपको 60fps का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर भी कुछ आउटपुट कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। स्टेबलाइजेशन देखो उतनी कुछ स्मूथ तो नहीं है लेकिन काम चल जाता है, और ज़्यादा अगर आप जॉग वगैरह करते हो या फिर रनिंग वगैरह कर रहे हो शूट करते हो भाई बढ़िया आउटपुट नहीं आएगा। हाँ स्मूथनेस वीडियो के अंदर तो है लेकिन स्टेबलाइजेशन की कमी जरूर लगेगी। मल्टीपल फोटोज भी हमने यहाँ पर क्लिक करें, इंडोर आउटडोर भाई हर कहीं क्लिक करें, उसकी बात करते हैं। इंडोर में अगर आप लो लाइट के अंदर शूट कर रहे हो फोटोज को तो भाई वहां पर आपको एकदम स्मूथ सी फोटो मिलती है, डिटेलिंग नहीं मिलेगी, और कहीं कहीं अगर थोड़ी सी लाइट और कम है तो भाई नॉइज तो भर भर के यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। और अगर आप इसी कंडीशन में जैसे हम वीडियो शूट कर रहे हैं इसी कंडीशन में फोटो क्लिक करते हो, जैसे कि मैं अभी क्लिक करके दिखाता हूँ, तो भी यहाँ पर आपको ठीक ठाक सी फोटो मिल जाती है, जहां पर आपको डिटेलिंग थोड़ी सी कम मिलती है लेकिन हाँ क्लियर फोटो मिल जाती है। वहीं अगर आप आउटडोर में जब शूट करते हो तो लाइटिंग अगर अच्छी है तो फोटो अच्छी आती है, थोड़ी सी शार्प जरूर आती है लेकिन इस बजट के हिसाब से ठीक है, लेकिन ज्यादा एक्सपोजर है पीछे तो भाई फोटो को ये खराब कर देता है, साथ में पीछे कोई भी डिटेलिंग नहीं आती। साथ में यहाँ पर आपको एक पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिलता है रियर और फ्रंट दोनों के अंदर, फ्रंट से तो फोटो सही आती है लेकिन आप रियर में जैसे चूज करते हो तो वहां पर आपको 1.5x का क्रॉप मिल जाता है, और वो मैं बोलूंगा कि थोड़ा ज्यादा ही मिल जाता है, और उसके बाद ना फोटोज तो ठीक आती है लेकिन जो वाइडनेस है ना वो काफी कम हो जाती है। साथ में यहाँ पर मैंने कुछ मैक्रो फोटो भी निकाली और मैक्रो फोटो का आउटपुट मुझे ठीक लगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक व्लॉगिंग मोड भी दे रखा है इस फोन के अंदर, जहां पर आपको कुछ मैं बोलूंगा ट्रांजिशन या फिर इफेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे जहां पर ये क्रिएट करता है। बाकी यहाँ पर आपको फन टच ओएस मिल जाता है और यहाँ पर ये एंड्रॉइड 13 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको कुछ कुछ फीचर जैसे कि वो रिकॉर्डिंग वाला या फिर जो इसका जो एनिमेशन है वो काफी लाइट मिलेगा। यहां पर एक चीज और बता दूं, जैसे 60 हर्ट्ज आता है उसके साथ साथ जब भी आप किसी ऐप को ओपन या फिर बंद करते हो तो एनिमेशन काफी कम मिलता है, तो फोन तो लाइट रखने की कोशिश करी है लेकिन लाइट लगता नहीं है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा मेहनत कर रहा है फोन, या फिर बोलूंगा थोड़ा जर्क सा लगता है इस फोन के अंदर, और यूज करने में उतना स्मूथ नहीं लगता जितना ये बनाने की कोशिश कर रहे थे। बट यहाँ पर मैंने हैप्टिक फीडबैक देखा भाई इस फोन के बजट के हिसाब से भाई वो काफी सही काम करता है, टाइपिंग कर रहे हो या फिर गेमिंग कर रहे हो तो भाई वहां पर आपको हैप्टिक फीडबैक मतलब फील होता है। इसके साथ इसके यूआई में एक और फीचर दे रखा है सिंपल व्यू का, वहां पर क्या होता है जैसे आप उसको क्लिक करते हो ना तो आपका जो पूरा फोन है उसका मोड बदल जाता है, उसका जो व्यू है सब कुछ बदल जाता है। कई बार होता है ना कुछ लोग मांगते हैं आपका फोन या फिर बच्चे मांगते हैं भाई कुछ ना कुछ करने लगते हैं, उनको वो मोड पकड़ा दो भाई एकदम सिंपल सा फोन लगता है, विंडोज की तरह शो होता है और ज्यादा फीचर दिखाई नहीं देते। बैटरी परफॉर्मेंस की बात करूं तो 5000mAh की बैटरी मिलती है और यहाँ पर आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है और वो लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट के अंदर आपका फोन चार्ज कर देता है। और साथ में यहाँ पर अगर बात करूं तो भाई बैटरी जो परफॉर्मेंस है मुझे काफी पसंद आई। अगर आप देखोगे ना यहाँ पर मैंने डाला हुआ है कि बैटरी यूसेज कितना है, यहाँ पर एक चीज नोटिस करो भाई यूट्यूब को मैंने 45 मिनट चलाया आज और सिर्फ 1% बैटरी ड्रॉप हुई है, गेमिंग हमने करी है 20 से 25 मिनट, इसके साथ साथ और भी चीजें हमने यूज करी है और अभी भी अगर मैं बताऊं ना अभी भी इसकी जो बैटरी परसेंटेज है 84% है। जबकि अगर S23 अल्ट्रा की बात करो ना ये मेरा प्राइमरी फोन है भाई, यहां पर मैंने ज्यादा यूज नहीं करा इसको आज, जब भी इसकी जो बैटरी है ना 74% के आसपास है। अब देखो यहां पर अलग बात है क्योंकि वो भाई बड़ी डिस्प्ले है, इवन वहां पर आपको 120 हर्ट्ज भी आता है वो अलग चीज है, लेकिन यहां पर 60 हर्ट्ज का एक फायदा जरूर हो रहा है कि बैटरी आपकी जो है ना वो कम कंज्यूम हो रही है। साथ में अगर आप वाईफाई से कनेक्ट कराते हो 4G या फिर 5G को तो भाई यहाँ पर स्पीड अच्छी मिल जाती है और वो उतनी ही मिलती है, काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, जितनी और किसी फोन में मिलती है ना उतनी ही स्पीड मिल जाती है इसके अंदर, और इसके अंदर कॉलिंग वगैरह के अंदर भी कोई इशू नहीं है। साथ में 5G के 6 बैंड मिलते हैं और जो इसेंशियल है ना वो सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। अब ये सारी चीजें तो थी लेकिन भाई इसको इतने दिन यूज करने के बाद ना मुझे जो कमियां लगी ना वो यही थी कि 60 हर्ट्ज वाला जो पैनल है ना आई थिंक भाई वो 90 हर्ट्ज तो हो ही सकता था। इस बजट के अंदर जितने भी फोन आ रहे हैं ना सबके अंदर आपको 90 हर्ट्ज तो डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा, हालांकि वहां पर आपको ब्राइटनेस थोड़ी सी कम ज्यादा जरूर देखने को मिलेगी लेकिन यहां पर ब्राइटनेस अच्छी है। सेकंडली चीज यहां पर जो कैमरा है ना भाई वो 50 megapixel एक नंबर जरूर बढ़ा कर रखा है, अगर उस पर थोड़ा सा काम कर रखा होता ना तो जरूर यहां पर बोल सकता था कैमरा आउटपुट बढ़िया है, क्योंकि यहां पर आपको 60fps का ऑप्शन तो मिल रहा है लेकिन स्टेबलाइजेशन नहीं है और साथ में फोटोज वो बात नजर नहीं आती कि 12-13 हजार रुपए के अंदर जो आते हैं ना आजकल फोन उनके अंदर आती है। बाकी ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला। हाँ ये कलर की जगह अगर आप देखोगे ना तो ब्लू कलर चूज करना अगर आप बाय करने का सोच रहे हो वो ज्यादा आपको फैंटास्टिक लगेगा। बाकी प्राइसिंग की बात करूं तो 4GB 128GB वाला जो वेरिएंट है ना वो आपको लगभग 11,000 रुपए के आसपास मिल जाएगा और जो 6GB 128GB वाला वेरिएंट आई थिंक वो 13,000 रुपए के आसपास है, 12,999 रुपए के अंदर। और ये वाला जो फोन है ना मैंने ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन बाय करा था क्योंकि भाई ऑनलाइन बहुत ज्यादा शॉर्टेज रहती है इस फोन की, मतलब आता है बिक जाता है, तो ये ना भाई मैंने फोन स्टोर से बाय करा था और सही डील मिल गई थी। जब बिग बिलियन डेज वगैरह चल रहे थे ना तो भाई वहां पर ऑफर चल रहे थे कि उनसे सस्ता फोन मिलेगा और डेफिनेटली भाई ऑनलाइन से सस्ता पड़ा था मुझे ये वाला फोन, तो ऑफलाइन भी चेक कर लिया करो। बाकी मैंने जहां से बाय करा उनकी जो डिटेल्स है ना डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।
तो यहाँ पर मैंने अच्छी चीज भी बता दी आपको और इसकी जो नेगेटिव चीज है ना वो भी बता दी। अगर आपका बजट है ना 12-13 या फिर 14,000 रुपए के आसपास, तो देखो दो तीन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो ये वाला फोन मिल जाएगा, एक Redmi का 12 5G मिल जाएगा और एक है Samsung का F14। अगर आपको कोई कंपैरिजन चाहिए ना इन फोन्स का तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाना, ये वीडियो भी आपको जल्दी मिल जाएगी। बाकी ये सब कुछ था इस फोन के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था इस फोन के लिए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो, बढ़िया लगी हो, तो भाई यहाँ सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।